खोने वाले, जमी पर कुछ खोने वाले, चांद की ओर देखते हैं। जमी पर कुछ खोने वाले, चांद की ओर देखते हैं। हम कवि और शायरों की गली में आजकल आने जाने लगे हैं। हम तो सिर्फ आपकी ओर देखते हैं। किसी ने कहा कि मोहब्बत खत्म हो गई, जोर से किसी ने कहा कि मेरी मोहब्बत खत्म हो गई, किसी ने कहा कि मेरी मोहब्बत खत्म हो गई। अरे प्रशांत जी, जा करके उसको बता करके आइए, कल रवि थे आज राहुल हैं। इसको बता के आइए कि कल रवि थे आज राहुल हैं। मोहब्बत की गलियों में हम जब जाएंगे, मोहब्बत की गलियों में हम जब जाएंगे, तो हो सकता है तुम्हारा नाम लेकर वापस लौट आएंगे। दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां मैं आप सब लोग के सामने निवेदित करता हूं कि जो मैं हर दिन ओढ़ता बिछाता हूं, जो मैं हर दिन ओढ़ता बिछाता हूं, वही गजल आप सभी को सुनाता हूं। तुम्हारी आंखों में एक जंगल सा है, तुम्हारी आंखों में एक जंगल सा है, जिसमें मैं अक्सर गुम हो जाता हूं। हर ओर यह शोर बरप रहा है, हर ओर यह शोर बरप रहा है, लोगों को हमें ऐसा लग रहा है कि ऐतराज हो रहा है। मैं थोड़ा सा अंधेरे से उजाले में क्या आ गया, लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं कि मेरी भुजाएं उखाड़ रहे हैं, मेरी भुजा उखड़ गई, अब मैं दोगुना वजन उठाता हूं। एक से मेरी मोहब्बत खत्म हुई, तो मैं अब सबको मोहब्बत की सीख बताता हूं। कर्मे खुदा ये रुसवाई कभी किसी से मोहब्बत न हो, कर्मे खुदा रुसवाई किसी से कभी मोहब्बत न हो, मोहब्बत अगर हो, मोहब्बत अगर हो तो जिंदगी ना हो, तभी ये मोहब्बत हो। घर पर हम सभी लोग पढ़ाई के बारे में हमेशा तकल्लुफ करते रहते हैं कि पिताजी कहते हैं पढ़ता नहीं है, मम्मी कहती है कि पढ़ता तो है लेकिन क्या अब समझ में नहीं आता। तो अब मैं क्या कहता हूं कि पढ़ाई पे मैंने कविता जो लिखी है कि इस जिंदगी की सिर्फ इतनी सी कहानी रही कि 18 से 19 वर्ष मेरी जिंदगी के कहां बीत गए, किसी पन्ने में इसकी कहानी दर्ज नहीं हुई, किसी पन्ने में इसकी कहानी दर्ज नहीं हुई। अब मैं आप लोगों को देखकर यह चीज बोलने का प्रयास कर रहा हूं, क्या कागज, कागज ही सब कुछ, कागज, कागज ही सब कुछ, मैं कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं, अरे तुम भाई तुम कुछ नहीं, कागज ही सब कुछ, सब कुछ कागज ही। जिंदगी की सिर्फ इतनी तकल्लुफ रही कि 18 से 19 वर्ष कहां बीत गए, ये किसी कागज में दर्ज नहीं हुए। समय के अभाव के कारण मैं एक पंक्ति से अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि आप सभी की इस मोहब्बत से मैं कहीं पागल ना हो जाऊं, आप सभी की इस मोहब्बत से मैं कहीं पागल ना हो जाऊं। आप लोग ऐसे ही हम पर प्यार बरसाए रहना, कहीं इसका दोबारा रिजल्ट उल्टा ना हो जाए, यही आप अपने आप को बचाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।